महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अजमेर झरनेश्वर महादेव मंदिर की समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह रक्तदान शिविर शहर के मित्तल अस्पताल में लगाया गया, जहां 70 से 80 यूनिट रक्तदान संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि इस रक्त को जरूरतमंद परिवारों को दिया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 17 फरवरी को झरनेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का श्रृंगार किया जाएगा, जो कि अद्भुत होगा। उसके बाद तेरे शाम भजन संध्या का आयोजन होगा। इस आयोजन के बाद सुबह 4 बजे से ही महाशिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष में झरनेश्वर महादेव सेवा समिति हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। 17-18 फरवरी को महाशिवरात्रि महोत्सव झरनेश्वर महादेव मंदिर में मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष में आज मित्तल हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर किया गया, जिसमें अभी तक 40 यूनिट रक्तदान हो चुका है करीबन हमारा, अभी और 75 से 80 यूनिट करने का मकसद है पूरा। कहाँ रखा गया है और क्या उद्देश्य है इसको लेकर? यही उद्देश्य है कि खून अपन जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, किसी की जान बच सके, इसी वो मकसद से हम हर साल यहाँ पे काफ़ी साल हो गए करते हुए। इस साल भी वही मित्तल हॉस्पिटल के अंदर हमने झरनेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आगे क्या रहने वाला है? आगे जैसे आज रक्तदान शिविर हो गया, इसके बाद 17 तारीख को शाम को महादेव का श्रृंगार होगा, उसके बाद भजन संध्या होगी जो पूरी रात चलेगी, सुबह 4 बजे आरती होगी, और उसके बाद 18 तारीख को दिन भर महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। पीयूष गोयल जी भैया, पूरा नाम पीयूष गोयल, सह सचिव श्री झरनेश्वर महादेव सेवा समिति अजमेर।